चलो सबको नमस्ते, करते हैं आज की क्लास फिर से स्टार्ट। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बना रहा हूँ पूरा। वाला भी भव्य जी ने पूछा था, होपफुली आज इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ इस ब्रांच पे रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच पे रेजिस्टेंस से बनाते रहो, ये साथ में इस ब्रांच पे है, इस ब्रांच पे है, हर ब्रांच पे है, ठीक है। ओ इन वाली ब्रांच पे नहीं है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दो लेफ्ट वाली राइट वाली इधर नहीं है। ये यहाँ से एक बैटरी जुड़ी हुई है इस तरीके से 10 वोल्ट की, ओके। ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 5 ओम, ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम, 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम और 10 ओम। आपको क्या करना है, इस फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। चलो ज्यादा कुछ है नहीं, और आल्सो फाइंड द करंट। कुल मिला के देखो ए और बी पॉइंट ये है, लिख लो क्वेश्चन। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या आपको ऐसे भी आ सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ पूरे सर्किट में, ठीक है। तो फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे करंट बताओ, या पूरा जो सर्किट करंट ड्रॉन कर रहा है वो आपको बता रहा है। तो पहला काम हमारा जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम एक नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेट मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करेंगे। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके यहाँ हमें पोटेंशियल दे रखा है, तो हम वी इक्वल्स टू आई आर से करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला काम कि इस सर्किट को सोल्व कैसे करें, इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करें। अब देखो ध्यान से देखो, आवाज आ रही है ना मेरे सबको क्लियर। ये वाली ब्रांच सबसे पहले मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। फिर ये वाली ब्रांच रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, जहां जहां बन रहे हैं, ये हर लाइन पे है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, सब लाइन पे रेजिस्टेंस है। सिर्फ ये जहां पॉइंट ए है ना उस वाली लाइन को छोड़कर, जहां पॉइंट बी है उस वाली लाइन को छोड़ के, ठीक है। अब देखो पहले ये वाला पॉइंट जहां मैं पॉइंट बना रहा हूँ वो वाली लाइन देखो, ये मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है। फिर ये नीचे वाला जो लाइन थी ये मैंने ये बनाई। अब क्या है, ये दोनों आपस में जॉइंट है इस तरीके से, इस पॉइंट पे जॉइंट है ना दोनों। मैंने बस एक तरीके से इसको रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। तो दो लाइन मैंने जो वो थी उसको स्ट्रेट बनाया, और ये दो लाइन आपस में जॉइंट है तो उनको भैया, मैंने, अगर हम रिस्ट्रक्चर कर पा रहे तो आप एक बार वैसे ही बता दो, बिना रिस्ट्रक्चर के कैसे सॉल्व होगा। नहीं इसको रिस्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। वास्तव में देखो रिस्ट्रक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बो में है या पैरेलल कॉम्बो में है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, एक मिनट रुको, मैं दोबारा थोड़ा सा पॉइंट करके आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो एक एक करके उसको समझ रिस्ट्रक्चर तो करो। ये तो आगे समझ आपने जैसे कर दिया। हाँ, अरे कुछ नहीं है, बस हल्का सा स्लाइड चेंज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली ये जो लाइन है ये रही, दूसरी ये वाली जो लाइन है ये रही, ये दोनों आपस में जॉइंट है इस पॉइंट पर, तो मैंने इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया ऐसे। सिमिलरली अब ये दो लाइन, ये लाइन है, ठीक है, और ऐसे ही ये लाइन है, तो इसको यहाँ बनाया, और ये दोनों भी आपस में जॉइंट है। अब एक्चुअल में तो ये वाला भी इसी पॉइंट पे जॉइंट है, और ये वाला भी इसी पॉइंट पे जॉइंट है। तो अच्छा, यानी ये दोनों है जो सीरीज में, ये दोनों इन सीरीज में, दोनों फिर को जो मैंने, इन अगर दोनों वो भी को मैंने सीरीज में, ऐसे फिर जॉइंट कर दिया, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ इस, तो ये अब देखो ये जॉइंट है ऐसे, ठीक है। क्या ये तो पेपर या में जॉइंट कैसे पता चलेगा, वो बना के देंगे क्या, फिर डॉट लगा नहीं के देंगे क्या, आपको, जॉइंट नहीं है। नहीं आपको दिख रहा है ना कि ये लाइन कहाँ से जुड़ रही है, ये तो सीधी सीधी लाइन दिख रही है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये लाइन जुड़ रही है ऐसे, तो सिंपल आपने इसको जोड़ दिया। अब है क्या, ये अपर वाली लाइन भी जुड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं से यहाँ से कोई पॉइंट निकलना चाहिए जो अपर उसके लिए भी हो। तो इस तरीके से अपर लाइन हम बना देंगे जो दोनों रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ेगी, ऐसे ही नीचे बना देंगे इस तरीके से। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है जो ऊपर आपको दे रखा है,
और इधर आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, ऐसे ही जो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस था वो ये रहा, जो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस था वो ये रहा, और जो ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस था वो ये रहा। नीचे वाली ब्रांच का 5 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज, अब यहां से पॉइंट ऐसे ये निकलेगा इस तरीके से 10 वोल्ट। इकरा जी समझ में नहीं आया? अब देखो, अब सिंपल क्या है कि अगर आप इसको अब चेंज कर दोगे तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 10 ओम क्या है, ये पैरेलल में है, ये 10 ओम क्या है, ये भी पैरेलल में है। आप इनको पहले तो 10 ओम का आंसर निकालते हैं, ठीक है? इसको R1 मान लेता हूँ, 1/R1 इक्वल्स टू 1/10। फिगर के हिसाब से तो सीरीज में लग रहे हैं ना ये? नहीं, कैसे सीरीज में लग रहे हैं? ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, ठीक है? इसका कंबाइंड कम्बो इसके साथ सीरीज में है, इस कंबाइंड कॉम्बो के साथ, ठीक है? तो पहले अगर आप 10 ओम इसका सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 5 ओम, तो R1 जो आएगा आपके पास वो आएगा 5 ओम, यानी 5 ओम। अब क्या हुआ कि आपने इसको सॉल्व, एक मिनट रुको, ये तो पूरा ही बच गया। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये 5 ओम हो गया। ऐसे ही आप इस वाली ब्रांच को भी सॉल्व कर देंगे, फाइव ओम, ठीक है? और ये ऊपर वाला 5 ओम ये रहा। तो अब ये 5 ओम और 5 ओम को आप जोड़ देंगे क्योंकि अब ये सीरीज में है, तो अब ये 10 ओम हो जाएगा। तो अब जो फाइनल आपका रेजिस्टेंस निकलेगा टोटल, ये पूरा कम्बो 10 ओम, ऊपर 5 ओम, नीचे 5 ओम, तो ये तीनों आंसर क्या आ रहा है इसका? पैरेलल में है, 1/10 प्लस 1/2 आ रहा आंसर, 5 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आएगा ये आ रहा है सॉल्व। अब किसको नहीं समझ में आया बिल्कुल भी? रिया जी आंसर आ रहा है भैया? हाँ हाँ ठीक है, 2 ओम आ रहा है, ठीक है? आप इसको सोल्व कर लेंगे तो रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ जाएगा, ठीक है? अब आपको टोटल करंट निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है? I इज इक्वल्स टू V/R, V आपको 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10/R आपको दे रखा है 2, तो ये आपका I जो आएगा वो आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। करा क्या, देखो बाकी सब आप सॉल्व खुद कर लोगे, बस आपको एक ये समझना जरूरी है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है? तो सिंपल आपने क्या किया, ये जो दो लाइनें ऐसे बन रही थी इनको आपने सीधा सीधा कर दिया, इनके जॉइंट ऐसे बना दिए। ऐसे जो ये दो लाइन इस तरीके से बन रही थी इनको भी आपने सीधा सीधा कर दिया और इनके जॉइंट ऐसे बना दिए। जो पीछे से इनका जॉइंट था उस लाइन को ऐसे जोड़ दिया दोनों तरफ, सिमिलरली इधर भी आपने ऐसे जोड़ दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा इसको इक्विवेलेंट, और फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? करें अगला क्वेश्चन। मुस्कान जी हो गया क्या आ रहा है? 5 एम्पियर करंट आ रहा है और 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है? अगला देखो, इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, वो वाला कैपेसिटर जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? ये सब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है और जिस बैटरी से कनेक्टेड है वो बैटरी है 20 वोल्ट की। ये आपने EMF का EMF कराओगे? हाँ कराएंगे अभी, तो उसमें EMF के रखे हैं बुक में? अरे बुक में सब कुछ दे रखा है, करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? अभी जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्या भैया वोल्ट 20 वोल्ट है? नहीं हाँ ये 20 वोल्ट है, ठीक है? 2 ओम 2 ओम 2 3 ओम। अब देखो बात क्या है कि दिखने में तो साफ साफ हमको लग रहा है कि ये पैरेलल में है, ठीक है? देखो पैरेलल का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स है, ये चाहे ब्रांच आपके कितनी भी आगे आ जाए इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम रहेगा, चाहे नीचे आओ चाहे ऊपर आओ, दो पॉइंट्स मैटर करते हैं हमेशा पोटेंशियल के केस में। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट मान लो ये पॉइंट इनके बीच में कितना है 20 वोल्ट, तो सिमिलर इनके बीच का भी पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट,
इस पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट और इस पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट। पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो एक बात है यहाँ पर कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर क्या होता है, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये क्यों डीसी करंट को ब्लॉक करता है वो जब हमारा 7th चैप्टर आएगा तब हम देख पाएंगे। अभी के लिए आप लिख लो स्टार करके एक लाइन की फोर डीसी करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो बैटरी से प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है पीछे से सप्लाई होती है उसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी वाला करंट है उसको ये ब्लॉक करता है, अल्टरनेटिव करंट को नहीं करता। ठीक है, लिख लो स्टार करके फॉर डीसी करंट कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। डीसी करंट के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा जिसके कारण इस ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो अब क्या बच गया आपके पास, अब आपके पास बचेगा सिंपल टू और ये आपकी 20 वोल्ट। वो वाली पूरी की पूरी ब्रांच ही कैंसल्ड हो जाएगी क्योंकि उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो अब आप इस भैया अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट भेजेंगे तो ये जाएगा इस वाले आम में, वो तो फिर 3 ओम के बाद वो हो जाएगा ना खत्म। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखो एक नियम ध्यान रखो कि करंट जो है ना वो जाने से पहले अपने आने का रास्ता खोज लेता है। अगर मान लो एक तरीके से कहानी की तरह, बच्चों वाली कहानी की तरह हम समझ सके कि मतलब बेसिक बात की वही उस तरीके से कि पहले करंट यहां आएगा, अब यहां से देख लेगा कि कैपेसिटर आगे तो जा नहीं सकता तो फिर वापिस चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर इसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा और इसको अपना क्लोज्ड लूप बनाने का रास्ता नहीं मिल रहा तो ये इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं, ये पूरी ब्रांच में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आएगा यहाँ से फिर वापस चला जाएगा। तो जब तक इसको आगे पूरा रास्ता नहीं मिलेगा क्लोज्ड लूप बनाने का, ये उस ब्रांच में जाएगा ही नहीं। ठीक है, यानी इस तीसरी ब्रांच में जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट नहीं जा सकता। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इतना हाई कि उसमें कोई करंट नहीं जा सकता। ठीक है सर। हाँ जी, ये करंट को क्लोज कर रहा है क्या? समझा नहीं मैं। क्या कहा किसी ने, सुना तो बता दो। ये 20 एम्पियर आ रहा है आंसर, करंट को अपोज कर रहा है। नहीं नहीं, करंट को अपोज नहीं कर रहा, करंट को ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक और अपोज में डिफरेंट है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। अगर आपने कैपेसिटर को डीसी में उसमें लगाया तो कैपेसिटर पूरी ब्रांच को ही ब्लॉक कर देगा। अपोज करने का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट उसमें पास हो जाएगा, पर यहाँ ब्लॉक कर दिया, हेंस इट ब्लॉक्स करंट। यहाँ और एक लाइन लिख लो, हेंस इट्स ब्लॉक्स करंट। ठीक है, तो वो वाली पूरी की पूरी ब्रांच ही खत्म हो जाएगी क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगा। अब ये देखो, अब ये यहाँ पर हो गया 2 ओम 2 ओम। आप सिंपल ये पैरेलल कॉम्बो वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1/R = 1/2 + 1/2। ठीक है, सिंपल ये कितना आ जाएगा, R बराबर आपके पास आ जाएगा 1 ओम। अब V = IR, तो I कितना हो जाएगा आपके पास 20/1, तो ये सीधा सीधा 20 एम्पियर करंट आ जाएगा। सर्किट में करंट कितना ड्रॉन हुआ, 20 एम्पियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 1 एम्पियर। अब आपने ये नहीं सोचना है कि कैपेसिटर वाले के ब्रांच के आगे एक रेजिस्टेंस लगा था, इसको तो हमने यूज ही नहीं किया। देखो रेजिस्टेंस का केस भी तब आएगा जब उसमें करंट पास हो पाएगा, तो करंट ही नहीं पास हो पा रहा है तो वो ब्रांच यूजलेस है, इसलिए हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब एक और खतरनाक क्वेश्चन है इससे बाद अगला, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े आगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एसएल अरोड़ा में है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं अगर किसी के पास हो तो। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां और बहुत सारे हैं, उतने हमारे काम। कुछ कह रहे हो? कौन सी बुक सर? एस एल अरोड़ा।
यहाँ जहाँ जहाँ मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ ना, तो वहां वो बना देना इस तरीके से। ये मेरी फिगर थोड़ी खराब हो जाती है तो इसलिए मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ। यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस ब्रांच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। भैया आपने ये क्या बनाया, ये कलर कलर सा जो है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये 3 माइक्रोफेराडे ये कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रांच में 3 ओम का रेजिस्टेंस, ओम भी लिख लो चलो। सिमिलरली इस ब्रांच में 3 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो लगी है 15 वोल्ट की बैटरी। पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखा है आपको ए, ये पॉइंट आपको दे रखा है बी, ये पॉइंट आपको दे रखा है सी, ये पॉइंट आपको दे रखा है डी, और ये पॉइंट आपको दे रखा है ई, ये पॉइंट आपको दे रखा है एफ, ठीक है। तो मैंने जस्ट टीम ही क्या, पहले तो ये फिगर बनाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको दूसरी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करने के लिए लिख देता हूं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ, ठीक है, यानी कुल मिला के वी सी एफ या पॉइंट सी और पॉइंट एफ के बीच में आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट वी सी और वी एफ के बीच का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उस कैपेसिटर में भी जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर वाली बात अगर नहीं समझ में आ रही तो याद रखो कि पॉइंट सी और पॉइंट एफ ब्रांच के बीच में आपको ये फाइंड आउट करना है। काफी सारे इसमें स्टेप्स हैं, तो एक एक करके हम सारे सारे स्टेप्स को देखते हैं। देखो, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले सबसे पहला काम जो हमारा होता है, फर्स्ट अप्रोच हमारी होती है कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो ये क्या है, ये कैपेसिटर है, तो सिंपल अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो यानी ये जो अब जो इसके बाद वो बनेगा हमारे पास सर्किट, वो कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाली ब्रांच टोटली कट आउट हो जाएगी क्योंकि इसमें करंट तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब आप एक तरीके से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। देखो ये पॉइंट 3 था, ये 3 था, ऐसे ये 3 था, ये 3 था, ठीक है। तो अब ये 3 और ये 3 क्या होंगे, ये 6 ओम हो जाएगा। साथ साथ बनाते जाओ, यहाँ पर ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, R1 इसको मान लेता हूँ 3 + 3 = 6 ओम, ठीक है। तो अब ये जो 6 ओम है, अब जो इक्विवेलेंट वो बना आपका सर्किट, वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये 6 और ये 3 किस में है, ये पैरेलल में है। तो 1/R2 = 1/6 + 1/3, तो यहां से जो आपका आ जाएगा, क्या आएगा यहां से, R2 2 ओम शायद, हाँ 2 ओम आ जाएगा आपके पास, नहीं 2 नहीं आएगा, 3 आएगा शायद, 3 ओम, एक मिनट, 2 ही आएगा, 2 आएगा, एक मिनट जरा सा, ये 1 + 6 क्यों कर दिया पहले, तो 2 ओम। अब जो रेजिस्टेंस आपका बनेगा 2 ओम, ये रहा 5 ओम आएगा नेट, 3 ये रहा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, करते जाओ साथ में। तो R जो टोटल आ गया आपके पास 2 + 3, वो आ गया आपके पास 5 ओम, ठीक है, R टोटल आ गया 5 ओम। करंट टोटल, रेजिस्टेंस टोटल निकालने के बाद आपको अब फाइंड आउट करना है कि टोटल करंट कितना ब्लो हो रहा है सर्किट में। 15 वोल्ट आपके पास वोल्टेज दे रखी है, R टोटल 5 ओम आपने निकाल लिया, तो V = IR से अब आप निकाल लेंगे करंट, सिंपल करते जाओ ये साथ साथ, कोई दिक्कत मुस्कान जी? नहीं भैया। अब V = IR हम लेके चले, तो I = V/R,
ठीक है, तो V कितना है हमको टोटल बैटरी दे रखी है 15 वोल्ट की, R हमने 5 ओम निकाल दिया, तो ये जो करंट आ गया आपके पास 3 एम्पियर। अब देखो करंट क्या है कि 3 एम्पियर तो आ गया, पर ये ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ठीक है, तो इसको ये कैसे डिवाइड होगा वो अब हम देखते हैं। एक बार एम याद रखना, आपको वी सी डी और वी डी एफ ये फाइंड आउट करना है पोटेंशियल के उसमें। देखो ये अब ओरिजिनली वाले सर्किट पे आ जाते हैं, ठीक है, यहां से करंट आपका जाएगा आई, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर करंट चला गया आई वन, थ्री इधर था, थ्री इधर था, थ्री इधर था, थ्री इधर था, ठीक है, ऊपर करंट आई वन चला गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट आई क्या है, आई है हमारे पास 3 एम्पियर, ध्यान रखना ऊपर करंट आई वन चला गया तो आई 3 एम्पियर है, तो यहां पर एक तरीके से मान लेंगे कि आई माइनस आई वन करंट इस ब्रांच में आया, ठीक है, और इस पॉइंट पर आई वन करंट यहां से आ जाएगा और आई माइनस आई वन करंट यहां से आ रहा है, तो यानी आई करंट यहां से वापस चला जाएगा, जितना आया था उतना वापस चला गया। ये समझ में आया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन? रिपीट कर दो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ। अरे यार देखो इसको अलग से एक तरीके समझो, सपोज आई करंट आपके पास जा रहा है ऐसे, अब आपके पास दो ब्रांचेस है, ठीक है, अब इस आई करंट को दो ब्रांचेस में जाना है, तो आपने क्या किया, इसी आई में से ऊपर आई वन करंट भेज दिया, मान लो ये 3 एम्पियर था तो आपने आई वन 2 एम्पियर ऊपर भेज दिया, तब 2 एम्पियर ऊपर भेज दिया तो नीचे कितना रह गया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या मतलब हुआ आई माइनस आई वन, यानी 3 में से आप 2 घटा देंगे तो 1 एम्पियर का करंट आपके पास शेष रह जाएगा लेफ्ट आउट, तो इस ब्रांच यानी आप उस आई में से आई वन आपने ऊपर भेज दिया तो जितना बचा कितना बचा आई माइनस आई वन, तो सिमिलरली इस वाली ब्रांच में आपके पास जो करंट आया वो आया आई माइनस आई वन करंट आया, क्योंकि ऊपर आपने कितना भेज दिया, ऊपर आपने आई वन करंट भेज दिया। ऐसे ही जब ये मान लो जब ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगे फिर से, तो अब इस पॉइंट पर टोटल करंट देखो, ये तो फाइंड करना है क्या सी और डी में कितनी वोल्टेज होगी, वी फाइंड करना है ना बस, फिर इसमें पैरेलल में होगा तो सेम ही होगी वोल्टेज सब में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग है ना कि पैरेलल देखो आपको यहाँ और इस टोटल उसकी वोल्टेज पता है, आपको इस ब्रांच की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है इस ब्रांच की, तो कह तो रहा हूँ इसी की फाइंड करनी है, फिर ये सी डी ई एफ के पैरेलल होगी तो कैपेसिटर में भी सेम ही जाएगी। हाँ ठीक है, कितना मिनट रह गया, 9 मिनट, चलो अच्छा, कुल मिला के जब ये वापस मिलते हैं तो टोटल करंट जितना निकलेगा फिर से आई निकल जाएगा, आई माइनस आई वन था प्लस आई वन था तो आई वन से आई वन कैंसिल तो प्लस आई आ गया, ये सिमिलर इसी का केस बता रहा हूँ, तो यहाँ से आई करंट वापस आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, देखो जिसको ना समझ में आया तुरंत मुझे एक बार बता देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना स्टेप वाइज इसमें ज्यादा है, पर कोई नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है वैसे, तो करते हैं धीरे धीरे। अब देखो अभी तक हमने निकाल के लिया, आवाज आ रही है ना मेरी सबको, आर 5 ओम निकाला था, आई टोटल 3 एम्पियर निकाल लिया, ठीक है, अब आप हम देखो ये पॉइंट था मेरे पास डी और ये पॉइंट था मेरे पास एफ और ये पॉइंट था मेरे पास ए, अब आप मुझे एक बार बताओ, चलो पहले वी डी एफ निकाल लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस डी एफ निकाल लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस डी एफ कितना होगा आई आर, इस ब्रांच पे करंट कितना था, ओ इस ब्रांच पे जो रेजिस्टेंस था वो 3 ओम था और इस ब्रांच पे करंट कितना आया 3, नया समय ये यहां पर डी एफ ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज नीचे वाली फिगर थोड़ी अजीब सी है, ऊपर वाली फिगर में से समझाओ, ठीक है, वो तो मैं ओरिजिनली खराब नहीं करना चाह रहा था उसे, देखो इस ब्रांच में जो करंट समझाने के बाद अंडू कर देना ना, हां कोई नहीं, हां ठीक है, देखो यहां से क्या आया, यहां से आई करंट चला गया, ऊपर आई वन चला गया, इधर आपका आई माइनस आई वन चला गया, इस पॉइंट के बाद यहां पर आई करंट वापस आ गया, ठीक है, अब ये आई करंट यहां वापस आ गया, अब आपको पोटेंशियल निकालना है वीडीएफ के बीच में, तो वीडीएफ क्या होगा, वीडीएफ होगा यानी उस ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम है,
ठीक है, इस ब्रांच में आई करंट फ्लो हो रहा है और आई हमने निकाला कितना 3 एम्पियर, तो 3 × 3 VDF आपके पास आ गया यहां पर 9 वोल्ट। ठीक है, अब देखो पूरी ब्रांच अगर आप AF की बात करो, पूरी ब्रांच A और यहां पर F, नीचे 15 वोल्ट है तो दोनों पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा 15 वोल्ट। आपने यानी VAF इज इक्वल्स टू जो होगा वो होगा VAD प्लस V, तो इस वाले पे 6 वोल्ट आ गया, VAD पे 6 वोल्ट। VDF आपने VDF निकाल दिया 9 वोल्ट, VAF कितना है 15 वोल्ट, ये हो गया VAD। तो यानी VAD आ गया अब आपका 15 में से 9 गया 6 वोल्ट। ठीक है, यानी इस ब्रांच पे आपने क्या निकाल दिया पोटेंशियल, बात खत्म। अब जितना पोटेंशियल इस ब्रांच पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस ब्रांच पे भी होगा, होगा कि नहीं होगा, और इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है आई वन। तो अब देखो इस ब्रांच पे मैं ब्रांच VBC की बात कर रहा हूं, अब VBC इज इक्वल्स टू IBC इनटू RBC। BC ब्रांच पे जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 3 एम्पियर, BC ब्रांच पे जो करंट है वो आपका आई वन, और इस पे जो वोल्टेज है वो आपकी है 6 वोल्ट। तो यहां से आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट 1 एम्पियर आनी चाहिए, एक सेकेंड रुको मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये सही तो है, ये I1 3 − 2 = 1 वो होता है 1 एम्पियर। कैसे, अरे ऊपर ये I1 जा रहा है ना, तो इधर भी तो I1 ही जाएगा, पूरा 3 है तो I1 निकाला 2, 3 − 2 1। असल में ना रुको वो क्या रहा है, देखो यहाँ से आपने I1 तो निकाल दिया 2 एम्पियर, ठीक है चलो ये भी आ गया I1 2 एम्पियर। अब सिमिलरली इस ब्रांच के लिए भी आप देखोगे ना, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल आपको नहीं पता, वही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है IBCD, ठीक है एक मिनट रुको, आगे वीडियो देखो, VAD हमने निकाल लिया कितना 6 वोल्ट। भव्य 12th इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, क्या करेगा वो कल का प्रूफ दे दिया। देखो VBCD ब्रांच की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी इस वाली ब्रांच की, इस वाली ब्रांच की, इनका जो वोल्टेज है A और D का वो 6 वोल्ट है, तो B और C का भी 6 वोल्ट होगा, ये इसमें इंक्लूडेड ही आ जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट CD का कुछ वोल्टेज नहीं होगा। अगर मैं ब्रांच BCD की बात करूंगा तो वो भी कितनी आ जाएगी, वो भी मेरे पास 6 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस BCD में कितना रहेगा, टोटल BCD ब्रांच की देखो 3 ओम + 3 ओम, तो इज इक्वल्स टू 3 ओम + 3 ओम, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। अब आप BCD ब्रांच के लिए करंट निकालेंगे, पूरा कंप्लीट BCD ब्रांच के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो VBCD इज इक्वल्स टू IBCD RBCD, तो IBCD ब्रांच के लिए जो रहेगा करंट वो V/R। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को एक बार मुझे दोबारा कराने की जरूरत है, कराएंगे इसको। ठीक है, मैं अभी एक बार दोबारा देखूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, VBCD कितना हो गया 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो VBCD ब्रांच में कितना करंट आ गया, I जो आ गया 1 एम्पियर का करंट ये आ गया। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट आ गया। आंसर क्या है, वोल्टेज क्या है बताओ नेट आंसर। हाँ भाई आंसर बताना है इससे एक बार। फाइनल आंसर 12 वोल्ट है। 12। अब देखो ये यहां तक हो गया,
वी सी डी इज इक्वल्स टू आई सी डी आर सी डी। आई सी डी देखो करंट, देखो आई वन जा रहा है यहाँ पर, आई वन इस ब्रांच में भी जा रहा है और आई वन इस ब्रांच में भी जाएगा, तो आई सी डी क्या है, आई सी डी आई वन है। 12 आ रहा है ना, 12, हाँ 12 आ रहा है, आई सी डी आई वन है, तो आई वन की वैल्यू आपने 1 एम्पियर निकाली। आर सी डी क्या है, सी डी ब्रांच जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, तो वी सी डी आपके पास आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, वी सी डी आपके पास 3 वोल्ट आ गया और वी डी एफ आपके पास कितना वोल्ट था, ये 9 वोल्ट था। तो अब आप इन टोटल इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वी सी एफ जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा वी सी डी प्लस वी डी एफ, और ये वैल्यू कल हो जाएगी 3 + 9 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अरे भैया बड़ा भयंकर क्वेश्चन था। लास्ट में इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ये वाली एक मिनट कर लो, ये वाली ब्रांच का पोटेंशियल प्लस ये वाली ब्रांच का पोटेंशियल, इस ब्रांच का पोटेंशियल 3 वोल्ट आया, इस ब्रांच का जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, वो 9 वोल्ट आया आपके पास। ठीक है, 3 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट टोटल हो गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इसमें मैं, हाँ इसमें जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस सी का आ रहा है और एफ का आ रहा है वो ऐड करके बताना है कि देखो पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल क्या है, या तो आप इन पोटेंशियल रेंज बता दो कि किसी भी एक पॉइंट या दो पॉइंट है। हम पोटेंशियल को जनरली ऐड करते हैं, वो जो हमने क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर में देखा था, तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते थे तो उसको ऐड कर देते थे, या तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल दो मतलब ऐड कर दो, अगर ये किसी और के रेफरेंस में है तो एक में से दूसरा माइनस कर देते हैं। ठीक है, हो गया, ये आगे बढ़े, एक बार इसको अच्छे से फिर से दोबारा देखना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये मेरे को उम्मीद है। एक चीज इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ कहीं लगा बस, ये चलो देखते हैं, सही है वैसे तो लगभग लगभग, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हो सकता होगा अभी तो, पर आंसर सही है हमारा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट आपका ए दे रखा है, ये पॉइंट आपको बी दे रखा है, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस अगला क्वेश्चन है। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।